हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद आपका फिर से वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियो के आई बटन पे अपना वीडियो या वीडियो का प्लेलिस्ट कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो में आई बटन का यूज कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आते रहती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आई बटन होता क्या है। फ्रेंड्स, जब हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं या किसी और का वीडियो देखते हैं तो आप देख पाते हो कि यहाँ पे ऊपर में एक आई टाइप का आता है, इसी को आई बटन कहते हैं। इसमें जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना वीडियो लगा सकते हैं, चैनल लगा सकते हैं या सब्सक्राइब कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे ही कोई इस आई बटन पर क्लिक करेगा, यहाँ पर हमने जो भी लगाया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इस आई बटन का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या, अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप पर अपना YouTube खोल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल पे YouTube खोल रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर पे जाकर डेस्कटॉप साइट पे अपना YouTube खोलना है। अगर आपको पता नहीं कि डेस्कटॉप साइट पे कैसे खुलता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे क्रोम में जाकर डेस्कटॉप साइट में अपना YouTube खोल सकते हैं। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद हमें क्या, अपने यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमाइज वीडियो, कस्टमाइज चैनल और मैनेज वीडियो दो आ रहे हैं, हमें मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। मैनेज वीडियो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ठीक है, हमारी सारी वीडियोज खुल के आ जाएंगे जो अभी तक हमने अपलोड की है। हमें जिस भी बटन में, जिस भी वीडियो में अपने आई बटन को लगाना है उस वीडियो को क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस पे माउस रखोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डिटेल्स आ रहा है, ये पेंसिल से बना हुआ, इस पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारे लोगो के नीचे हमारी वीडियो आ रही है और उसका थंबनेल आ रहा है, और उसके नीचे आता है फ्रेंड्स एंड स्क्रीन और कार्ड्स। ये इस हमें कार्ड्स पर क्लिक करना है। ठीक है, कार्ड्स पे क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस पे क्या क्या लगा सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो लगा सकते हैं, अपने आई बटन पे प्लेलिस्ट पर लगा सकते हैं, चैनल लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक वीडियो लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने वीडियो पर क्लिक कर लिया, जो वीडियो आपको अच्छी लगी आप वो लगा सकते हो। जैसे मैं यही लगा लेता हूँ, और यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो है फ्रेंड्स टाइम है, कहाँ पर आपका आई बटन आएगा। ठीक है, ये जो लिखा हुआ आएगा ये आपको कहाँ की कौन से टाइम पे चाहिए, मतलब जैसे ये अभी जीरो जीरो मिनट पे आ रहा है, जैसे आपको ये दो मिनट में चाहिए तो आपको क्या करना है, इसे खींच के दो मिनट में कर देना है। ठीक है, ये दो मिनट में हो चुका है। जब आपका वीडियो की स्क्रीन कुछ इस तरीके, जब आप यहाँ पर वीडियो पहुँचा होगा आपका, तो आपका ऊपर से ये लिखा हुआ आ जाएगा आई बटन का। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, प्लस पे क्लिक करना है और जो आपको चाहिए, जैसे मैंने वीडियो लगा के दिखा दिया, प्लेलिस्ट लगा के भी दिखा देता हूँ, ये मैंने प्लेलिस्ट भी लगा दी। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने वीडियो में आई बटन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं।